मुझे साडा कॉफी वाला पोहा बन के बिल्कुल रेडी है। पोहा बना के फिर असं चाह वगैरह पीली सी, ट्यूशन वाले कुछ काम करा के ते अगम काम कराने तो बाद हम सारा टाइम हो गया डिनर रेडी कर। मैं इधर मसाला वगैरह रखा हुआ उत्ते फिर सब्जी वगैरह कटती है, बस मसाला भुन के ये फिर सब्जी वगैरह पा के कट के रख देंगे। तो नीचे साडा आटा भी रेडी हो चुका, असं आटा गुन चुके हैं। तो बस थोड़ी देर में दोबारा कर लेंगे एक बारी, तो उसके बाद फुल के ला के फिर बस ऑलमोस्ट काम खत्म हो जाता है। तो बाहर देखो मेरा हो गया, मौसम से फर्क पै गया काफ़ी ज़्यादा, तो बाहर धुंध भी पै गई हुई है हल्की हल्की, मतलब खेतों से तो उतर ही जल्दी पै जाती है। तो टाइम हो चुके साडा 7 बजे वाले हैं शाम के रात दे, बस हमें मिलते हैं डिनर प्लान तो बाद। सारी किचन की सफाई करके हो गया फ्री, तो वीडियो शूट अगे मैं की नहीं क्योंकि मेरा बैटरी फोन की डाउन सी, तो मैं फोन चार्जिंग ला लिया। तो उस बाद हूँ रात हो गई है, तो बस हूँ आप अपना सीरियल वगैरह देख रहे हैं। सीरियल वगैरह देख के फिर आप अपना सौ वगैरह जावे, फिर सवेरे उठना, सवेरे मम्मी ने भी जाना है, तो अमृतसर जाना सवेरे 6 बजे की ट्रेन है, तो सवेरे सारा काम भी करना और जल्दी भी उठना पैना क्योंकि 6 बजे ट्रेन है, तो रोटी वगैरह बना के देनी पैनी नाल। तो मिलते हैं सवेरे, तो ओनली गुड नाइट, मिलते हैं सवेर वाली। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो सवेर हो चुकी है, तो मम्मी जा चुके थे खाना वगैरह अपना, उन्होंने फुलके ना खुद ही तार ले सके, तो बस हम मैं अपने फुलके तारन लगी हाँ, तो बाकी तार के रख दिनी हाँ ताकि जोड़ा भी जिन्हें भुख लगे अपने खा ले। गुरुद्वारे की आवाज आ रही, मौसम देख सकते हो हम ठंड हो लग गई है, ठंड लग गई है बाहर, ये देखो कड़ी पत्ता कि वड्डा हो गया। आखो पालक वड्डी होनी शुरू हो गई, तो आ मेरे ख्याल करेले का वेल वगैरह जो भी है। चलो पर काम कर ली फिर रेडी होने, नहीं तो लेट हो जाएंगे। आ की ले लो, मैं लोक लैनी कर दे लो, चलो बाद चलो। लो जी आप स्कूल रेडी भी हो गए, तो स्कूल निकल रहे हैं, बस मैं लॉक ला ला इतों, साढ़े सारे लोग इतने कर्टन के पिछे विंडो च पे रहते हैं। तो अगम रेडी है, तो आप भी चले स्कूल, बैग पहले एक्टिवा तो रख दो फिर लॉक करनी है कि दोनों हैंड के फुल होए पे है। घर कोई है नहीं, पापा गए मम्मी ने चढ़ा, तो वो हल तक ट्रेन आ रही नहीं, लगता साडा लॉक मम्मी चढ़ा गए थे, तो ट्रेन लेट है काफ़ी, तो जो आन गए उदी उदे से, तो इस करके आप लॉक लाता, तो बस हूँ चलते हो। लो जी साड़ी एक्टिवा भी रेडी है, बैग वगैरह रख लिया, तो बस हूँ चलते हैं आप। लो जी आप आ चुके हैं स्कूल, तो स्कूल हाले मतलब बच्चे पूरे नहीं आए हैं क्योंकि 9 बजे का टाइम है, तो मैं भी अज थोड़ी सी लेट सी 10 मिनट, तो बस हमने बच्चे कम पूरे आते हैं, थोड़े जे जिमें होंगे फिर असं प्रेयर स्टार्ट करवाने।
असेंबली हुई, बच्चे खेडते पे आ। स्कूल तो वापस आ गए सीए, वापस आके आँधे अज मैं रेस्ट वगैरह नहीं किया है क्योंकि अगम की यूनिफॉर्म वॉश करनी सी, कल भी वो यूनिफॉर्म पानी है तो वो कल प्रति वॉश करनी मैं याद नहीं रही हैगी क्योंकि कल दिन उन्हें पाई हुई सी क्योंकि पेंट हाल एक ही लिया है तो अज वाइट की टर्न सी। फिर वह वॉश करने के नाल नाल मैं कपड़े भी वॉश करते थोड़े जे जी। आप स्कूल तो वापस आकर रेस्ट बिल्कुल नहीं किया है क्योंकि अगम की यूनिफॉर्म वॉश करने वाली सी तो क्योंकि कल उन्हें पानी है तो मैं कल याद नहीं रही। और उधरों ड्रायर खराब है तो फिर वो दोपहर ही धोनी पी क्योंकि मैंने ऐसी धुप च सुख जाएगी। ड्रायर ठीक कराया बट फिर दोबारा खराब हो गया तो यूनिफॉर्म के नाल थोड़े जे कपड़े होर से मैं वह भी वॉश कर दिते सीगे अगम दे सीगे ते अगम दे पापा दे साढ़े भी सीगे मतलब हो ही गए थोड़े थोड़े कर दे। उस तो बाद फिर मैं थोड़ी देर फोन देखा, फोन देख के फिर यहाँ ट्यूशन वाले बच्चे आ गए तो मेरी काफ़ी जा नहीं रही हैगी मतलब ड्राई कफ है तो दवाई भी ले लिया मेरी आई हूँ। मेरा यही हूँ कि जब भी कफ हो कोल्ड हो जाए तो कोई इशू नहीं, कफ हो जाए तो ना मतलब आप ही हौली हौली जाती है जिन्नी मर्जी दवाई ले लें या तो कुछ भी कर लाँ। बट इस बार मैं स्टार्टिंग से कोई दवाई नहीं ली हैगी कि मैंने पता से आप ही ठीक हो जाएगी तो ही मतलब हाले तक हल्की हल्की ठीक रहने ठीक रहती है तो एकदम ही होने लग जाती है तो जो होंगी फिर थोड़ी देर होंगी है। दवाई भी मंगवाई सी बट नहीं फर्क पिया है तो उधर देख सकते हो वाइट वाइट की कही इन्हों बगले 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 बैठे कि सोहने लगते पेने वीडियो से पूरे नहीं आते पे है बस कोई भी नहीं है हाले घर भी तो सिर्फ बच्चे पढ़ा रही ट्यूशन वाले तो बस उन्होंने करा के फिर अगम करानी हाँ। फिर उस तो बाद रात की डिनर की तैयारी करनी है तो अच बार भी सारा सुनसान होया पाया नहीं तो कोई ना कोई आंदा जाता रहता मतलब कोई पट्ठे लैना या कोई कुछ तो हूँ तो पट्ठे भी नहीं है किधरे तो फिर भी कोई ना कोई होंदा ही है ना आज कोई नहीं है बिल्कुल ही खाली पहले भी खाली लगी जा रही थी मैं। हाँ जी की करना आयो अंदर खेल दो चलो बाहर नहीं आना बिल्कुल खाली बगले दिखते पेड़ तो कि सोहने लगते थे किन्ने ही सारे ने इत थे सारे जनों ने एक रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरे चैनल नू हाले तक सबसक्राइब नहीं किया प्लीज़ सबसक्राइब कर लो ते बैल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि मेरी सारी वीडियो जो भी आए तुहाडे तक पहले नोटिफिकेशन आ जाए उहदी। बस अगम खेड रहा बैट बॉल, बस मैं चाह बनाई सी तो चाह रख के आई सी बस थोड़ी जी ठंडी होंगी है फिर पीनी हाँ। अगम पुत बॉल लभनी नहीं, बॉल अंदरों बाहर सट्टी कितने आके पी फिर बाहर नहीं सट्टनी चलो अंदर खेडो हूँ सवेरे शाम की इन्नी ज़्यादा ठंड हो गई है मतलब दोपहर का भी मौसम ठीक ही है इन्ना ज़्यादा नहीं होंगे है गर्मी बाहर तो फिर भी लगती अंदर नहीं लगती हैगी सवेरे शाम ठंड होंगी है शामी धुंध पैनी शुरू हो जाती है तो अंदर मतलब जिनी देर बैठे रहो उन्नी देर ठीक है जो बाहर निकलने ना एकदम तो इन ठंडा जहा लगता सब बाहर सारा तो बस हम रह गए मेरे ख्याल 10-15 दिन तक ठंड भी शुरू हो जानी है मौसम च पै गया काफ़ी फर्क नेरा भी जल्दी हो जाता है। चलो चाह वगैरह पी ली असी पहला ओ पप्पी छोटे छोटे ये इतने इन्होंने अपना घर बनाया गए उपर गए ओ मतलब पटड़ी मेन जड़ी साड़ी सड़क आती है इतो आरे पप्पी दिख रहे होंगे शायद तुहानू उत्थे उन्हां दी मम्मी है मम्मी दे नाल आ गया अपनी ना दो पप्पी
जो वाइट वाला ना बड़ा ही क्यूट है, मतलब जो इन्हों के नेड़े कोई जाएगा ना फटाफट अपनी अंदर झाड़ियाँ लुक जाएंगे, या अपनी जी गुफा जी इन्होंने बनाई है ना ये लुक जाते हैं लड़ पे। चलो अभी चाह वगैरह पी लिए पहला, फिर बच्चों के जाने का भी टाइम हो जाना है, तो उधर डिनर की भी तैयारी करनी है। हो गया बच्चा, लो जी तो काम भी डन हो गया, तो बस हम अगम तक काम शुरू करवा दें नाल ही।